नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। रामनवमी को लेकर जामताड़ा जिला में जहां विभिन्न समितियों द्वारा रामनवमी जुलूस को लेकर तैयारी पूरी की जा रही है, वहीं प्रशासन भी मुस्तैद है। शहर से लेकर गांव तक चौक चौराहों पर महावीर पताका भी लहराया जा रहा है। बाजारों में महावीरी पताका की बिक्री भी खूब हो रही है। अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों ने पूरे जिले में जगह जगह फ्लैग मार्च किया। जामताड़ा शहर के पुराना हटिया स्थित बजरंगबली मंदिर से रामनवमी का अखाड़ा निकलेगा, पूरे शहर का भ्रमण करते हुए गांधी मैदान पहुंचेगा। शाम को झांकी भी संभत पूरे शहर से निकाली जाएगी। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से शांतिपूर्वक रामनवमी पर्व मनाने की अपील की है। रामनवमी अखाड़ा समिति के राजेंद्र राउत ने बताया कि पुरानी हटिया परिसर स्थित झांकी निकलेगी, जो पूरे शहर का भ्रमण करते हुए गांधी मैदान पहुंचेगी। इस बार की झांकी में मुख्य आकर्षण नागपुर का शिवगर्जना ढोल है। अखाड़ा का मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा, जहां विभिन्न अखाड़ा दलों द्वारा करतब दिखाया जाएगा और महाराष्ट्र के नागपुर से आ रही शिवगर्जना टीम अपनी कला का प्रदर्शन करेगी। 108 खिलाड़ी तो अपना दिखाएंगे, प्रदर्शन दिखाएंगे, तथा मेदिनीपुर से आ रहे हैं झांकी के लिए कलाकार तथा खिलाड़ी भी आ रहे हैं। और 4 बजे पुरानी हटिया शिव मंदिर से झांकी निकलेगी और गांधी मैदान में 8 बजे से शिव गर्जना का जो प्रोग्राम है, हमें नहीं लगता है कि झारखंड में इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। झारखंड का क्या अगल बगल सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाले